हेलो एवरीवन, प्रिया क्लॉथ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं। ये मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, ये मेरे स्कूल की एक्टिविटी है। ये है, ये हमने शूज के डिब्बे पे बनाया है। पहले इसके शूज के डिब्बे पे पेपर पेस्ट किए, फिर इसको डेकोरेट किया, फिर इस पे फ्लावर कट किए और फिर इस पे पोस्टर कलर से कलर किए और फिर इस पे डेकोरेट किया। और ये है, ये आर्ट ड्राइंग की मैडम की एक्टिविटी है। और आपको एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आपको सेकंड एक्टिविटी दिखाते हैं। एक्टिविटी है सनफ्लावर। देखो ये सनफ्लावर है, उस पे बटरफ्लाई है। ये हमने सनफ्लावर बनाया है और फिर इसको पेस्ट किया गया है और फिर ये बटरफ्लाई कट की, फिर इसको भी पेस्ट किया गया और ये इसके हॉलीडे होमवर्क में दिया गया है। फिर इस पे लीव कट की और बनाई। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वंश ने बनाया है, ये स्कूल वालों ने एक्टिविटी दी थी वंश को। एक एक्टिविटी ये है, ये है बटरफ्लाई, ये है हिंदी की मैडम ने दी थी। इस पे जैसे एक बॉक्स सा दिया हुआ था, उसमें से 5 कलर। ये हिंदी की एक्टिविटी है, देखो ये हमने पेपर पेस्ट किया, फिर इस पे जैसे मैडम ने बोला था कि एक शायरी लिखो उसमें से, फिर हमने उस पे एक पंक्ति लिखी, फिर ये बटरफ्लाई कट की और फिर इसको पेस्ट किया। और देखो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। इसमें हमें बटरफ्लाई में मैम ने बोला था कि 3 शेड देनी है, जैसे इसमें हमने कट करके बटरफ्लाई को 3 शेड दे दी। और ये वंश की 4th एक्टिविटी है। और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। ये वंश की 5th एक्टिविटी है। इसमें भी मैडम ने एक फ्लावर दिया था जिसमें हमें 3D शेड दिखानी थी। ये हमने 3D शेड दिखाई है। और ये एक्टिविटी, ये 5 एक्टिविटी थी जो मैम ने इसको बनाने को दी थी और ये हमने सारी इसकी कंप्लीट करा दी। अगर आपको अब ये देखो वंश क्या कर रहा है, कलर बना रहा है, कलर से अब पता नहीं क्या करने वाला है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में उस नई वीडियो के साथ। अगर वंश की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताना वंश ने एक्टिविटी कैसी बनाई है।